राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? जनादेश से पहले क्या बोला सट्टाबाजा? किस नेता की जीत हार पर लगा दांव? राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणामों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेता भगवान की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं, जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सट्टा बाजार भी एक्टिव हो गया है। तमाम एक्टिव पोल के बाद अब सट्टा बाजार भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार चुनाव को लेकर अपने आकलन के लिए जाना जाता है। इस बार फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को राजस्थान में 115 से 118 सीट मिलने का अनुमान जता रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को सिर्फ 68 से 70 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी बात है कि फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की जीत पर 30 पैसे और कांग्रेस की जीत पर 4 रुपए का भाव दे रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में सीएम के फेस को लेकर भी सट्टा लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो वसुंधरा राजे सीएम बन सकती हैं, और अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो अर्जुन राम मेघवाल को सीएम बनाया जा सकता है। मतलब अगर बीजेपी जनादेश में बॉर्डर पर रहती है तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो अर्जुन राम मेघवाल के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ही वसुंधरा राजे एक्टिव दिखाई देने लगी हैं। कल वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और आज जयपुर के श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी दर्शन किए। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में प्रमुख नेताओं की जीत पर भी सट्टा लगाया गया है। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर की जीत तय बताई गई है। दूसरी तरफ गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की हार का भी दावा किया जा रहा है। इसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नाम। हालांकि इस बार सट्टा बाजार में चर्चा बीजेपी के बागी नेताओं को लेकर भी है और कई बागियों की जीत और हार को लेकर भी सट्टा लगाया गया है। इसमें बीजेपी के बागी रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर से बीजेपी बागी प्रियंका चौधरी का नाम शामिल है। हालांकि सट्टा बाजार की राय भी टिकट बंटवारे से पहले और अब मतगणना से पहले लगातार बदलती रही है।